ये है स्टोल स्प्रेमैन अहमदगढ़ वालों का। यहाँ पर आपको पावर टीलर मिल जाएंगे, पावर रोटावीटर मिल जाएंगे, स्प्रे वाले जितने भी आइटम हैं सब मिल जाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं लिफ्ट वाला स्प्रे टैंक है, ये इसका टैंक है स्प्रेमैन एग्रीकल्चर। इस पे बैजिंग लगी हुई है, ये नीचे पंप लगा हुआ है, पीटीओ शाफ्ट से ये चलता है और कुछ ऐसा ये दिखता है। ये इसके कुछ पाइप लगे हुए हैं। 1,10,000 इसका रेट लिखा हुआ है। प्लास्टिक बॉडी में है, फाइबर बॉडी में है। और ये इसका ढक्कन, यहाँ से डलेगा इसमें पानी। और पीछे ये लगी हुई है इसमें नोजल, ये पीछे लिफ्ट में डाल के चलने वाला है। जब इसको चलाते हैं तो ये इसके विंग जो हैं दोनों साइड खुल जाते हैं, ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और इसको ट्रैक्टर के पीछे बांध के घूमना पड़ता है। और ये फिर आ जाते हैं आपके कुछ इंजन, ये है आप 25,500 का, ये वो भैया सामने पैक भी कर रहे हैं। और ये एक छोटा पड़ा हुआ है, ये घास काटने वाली मशीन समझ लो इसको, वही है। ये है 13,500 का। आगे आपको मिल जाते हैं ये पावर टीलर, पावर टीलर आपको बताएंगे रेट के साथ। और आप ये देखिए 61,000 इसका रेट है। ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, कुछ ये ऐसा दिखता है। ये इसके कंट्रोल हैं, ये इसका अटैचमेंट है, पीछे इसके ये अटैचमेंट लग जाएगा, आप अलग अलग कामों में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा है पावर टीलर, ये इसका 21,500 इसका रेट है। इस तरह कुछ डिज़ाइन है इसका। जितने भी आपको ये पावर टीलर मिलेंगे सबके साथ आपको चलना पड़ेगा, ये हैंडल वाले हैं, स्टीयरिंग वाला नहीं है ये कोई। ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, ऐसा कुछ दिखता है, छोटा सा पावर टीलर है। ये इसके कुछ अटैचमेंट, ये पड़ा है एक ऐसे ही, एक और है आगे। अलग अलग पावर का अलग अलग हिसाब से बने हुए सब। ये है 30,000 का, ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा डिजाइन है इसका, आप देख सकते हैं। ये इसकी कुछ डिटेल, इंजन की डिटेल। थोड़ा बहुत फ़र्क है, लगभग सब एक जैसी हैं, किसी में पावर कम होगी किसी में ज़्यादा, कोई किसी काम के लिए किसी में अटैचमेंट ज़्यादा होंगे किसी में कम। ये है थोड़ा इनसे बड़ा है, इसमें ये एक है 1,45,000 का, ये इससे बड़ा है। इसमें आपको टायर लगे ये दिख रहे होंगे, ये देखिए बड़े टायर लगे हैं इसमें। और इंजन भी बड़ा है इसका, होंडा का इंजन लगा हुआ है इसमें, होंडा GX। ये इसके कुछ डिटेल हैं, चाइनीज में लिखा हुआ है कुछ, इधर इंग्लिश भी है, ऐसा कुछ दिखता है। ये सब स्प्रे मैन के ही प्रोडक्ट हैं। इसको भी पकड़ के चलाना पड़ेगा पीछे से। ये इसका है हैंडल, हैंडल पे कंट्रोल लगे हुए हैं सब। और ये इसका रोटावेटर, ये इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, ये देखिए भैया नीचे ऐसे इसके पैर मत घुसा दियो नहीं तो काट के फेंक देगा ये ऐसे। ये इसके कुछ कंट्रोल हैं, आगे मिल जाता है एक और पावर रोटावेटर, इसमें भी होंडा का इंजन लगा हुआ है। ये 1,18,000 का, वो 1,40,000 का था, थोड़ा छोटा होगा इसे इसलिए रेट कम है। ये भी रोटावेटर है इसमें लगा हुआ, इसको भी पीछे से पकड़ के चलाना पड़ेगा। ये ऐसा है कुछ इसका हैंडल, आगे इसमें एक छोटा सा बम्पर भी लगा हुआ था। स्प्रे मैन की बैजिंग के साथ रोटरी टीलर। और ये है एक और रोटरी टीलर, फिलहाल ये एक और मशीन दिख रही है मुझे, ये है सीड ड्रिल मशीन सिंगल बैरल के साथ। ये आपको दिखाते हैं अगला प्रोडक्ट, ये इसके कुछ अटैचमेंट पड़े हुए हैं। ये है 88,000 का, उनसे छोटा है पर दिखने में मुझे बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये इसके कुछ मशीन की डिटेल, इंजन की डिटेल दी हुई है, इसमें भी होंडा का इंजन लगा हुआ है। ये सब पेट्रोल इंजन में थे, कोई डीजल में नहीं था, सब पेट्रोल में ही थे।
ये थे स्प्रे मैन के प्रोडक्ट। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। धन्यवाद।